उसके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चंदा मामा, हजारों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी की पार्टी को बॉन्ड्स में दिए गए। तुम लोगों को हम प्रोजेक्ट देंगे, रेवेन्यू शेयर बीजेपी पार्टी को देना पड़ेगा। सीधा जाके कंपनियों से ये हफ्ता लेते हैं। जहां भी हम देखें वही दो तीन नाम दिखाई देते हैं, अदानी अंबानी, अदानी अंबानी, अदानी अंबानी। ये धारावी जो है ये जमीन आपकी है, आपकी मेहनत की जमीन है। अब ये जमीन वही दलाल लोग आपसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और अदानी के पीछे देश का प्रधानमंत्री है, अदानी अकेला नहीं खड़ा है, अदानी के पीछे देश का प्रधानमंत्री खड़ा है, सॉरी देश का प्रधानमंत्री खड़ा है। उसके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चंदा मामा, ये उनके पीछे शक्ति खड़ी हुई है। क्या ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं है, ये एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट है। आपने देखा होगा, कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, देखा आपने, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट हिंदुस्तान की सरकार चला रही है। हजारों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी की पार्टी को बॉन्ड्स में दिए गए। क्यों दिए गए? तीन कारण है, तीन तरीके हैं। सबसे पहला, कंपनी के पास बीजेपी के लोग जाते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, ईडी की इनकम टैक्स इंक्वायरी शुरू होती है, उनके महीनों बाद इंक्वायरी आस्ते 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 खत्म हो जाती है। यह है पहला तरीका, यह है मोदी का पहला तरीका। दूसरा तरीका, कंपनी के पास जाते हैं, कहते हैं देखो धारावी में प्रोजेक्ट है, तुम लोगों को हम प्रोजेक्ट देंगे, रेवेन्यू शेयर बीजेपी पार्टी को देना पड़ेगा, पार्टनरशिप आप हमारे साथ कीजिए, धारावी की जनता को हम परे करेंगे, पुलिस का प्रयोग करेंगे, जो आपको धारावी के रीडेवलपमेंट से पैसा मिलेगा उसका परसेंटेज आप बीजेपी की बॉन्ड्स में दिलवा दीजिए। ये दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका, सीधा जाके कंपनियों से ये हफ्ता लेते हैं। ये है तीन तरीके नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के।